बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने लगी हैं, वो एक ऑयल है, यानी एसेंशियल ऑयल है, और बड़ा ही बेनिफिट्स के एतबार से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इसके कैरेक्टर है हमारी डेली मेडिसन्स में भी, ब्यूटी आइटम्स में भी। और ये है कि इससे पहले जो मेरे पास लेवेंडर ऑयल था, ये लेवेंडर ऑयल के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले जो लेवेंडर ऑयल मैं यूज कर रही थी, वो जो था वो इंग्लैंड के था, इंग्लैंड का था। और अब जो मेरे पास लेवेंडर ऑयल है, ये है ऑस्ट्रेलिया का है, डर्मा प्रोटेक्ट प्रोडक्ट के नाम से। तो बहुत ही जबरदस्त ऑयल है ये भी, इसको मैंने थोड़ा सा यूज किया है। और वैसे तो इसको एज अ मेडिसिन भी माना जाता है, एज अ एसेंशियल ऑयल तो है ही है, लेकिन इसको इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। और ये एक तरह से पेन रिलीवर भी है, पेन में बहुत जबरदस्त काम करता है। अगर आपके टेम्पल्स में दर्द हो रहा हो तो हल्का सा बहुत एक आध ड्रॉप तो आप अपनी फिंगर टिप्स पे लगाएं और हल्की सी मसाज टेम्पल्स पे करें तो, और इसका अरोमा इतना जबरदस्त है कि नींद भी आ जाता है और साथ में जो है पेन खत्म हो जाती है। इवन जॉइंट पेन में बहुत जबरदस्त है, बैक पेन में भी बहुत अच्छा है। इसकी हल्का हल्के से हाथ से मसाज करें तो बहुत जबरदस्त इसका जो है वो असर है। और इसके अलावा ये जो है इम्प्रूव करता है मूड को, इसका अरोमा इतना जबरदस्त है कि इंसान का जो मूड है वो अच्छा होता है। तो इट ट्रीट्स वेरियस काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के जो डिसऑर्डर्स हैं स्किन के, वो खा एलर्जी से हों या और किसी चीज से, तो उसको भी ये बहुत जल्द जो है वो अच्छा करता है, हील करता है। और इवन ये हेयर ऑयल्स में भी, समटाइम हेयर टॉनिक्स में भी पड़ता है, बहुत चंद ड्रॉप्स, क्योंकि ये बालों के लिए भी अच्छा है। ये अक्सर लोगों को नहीं पता होगा कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ ये रिलीवर है एक तरह से रेस्पायरेटरी सिस्टम के लिए भी, यानी कि ये जो सांस का सारा सिस्टम है, ये जो हमारे लंग्स का है उसको भी इम्प्रूव करता है। और साथ साथ ये इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन को, और क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है इसलिए हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। और साथ साथ ये जो है, ये टॉप जो इसका बेनिफिट है वो तो इसका सोने के उससे है कि समटाइम हमें नींद ना आ रही हो तो इंसोमिनिया हो, यानी स्लीपलेस हो, तो बंदे को एकदम से जो है नींद आ जाती है इससे। और टेंशन को भी जो है वो कम करता है, सूदिंग इफेक्ट देता है नर्स को जो है बहुत अच्छा जो है वो रिलीफ मिलता है इसकी स्मेल से और इसको लगाने से। तो इसके अलावा ये जो है एंटी फंगल भी माना जाता है, एंटीसेप्टिक भी माना जाता है, लाइक कैलेंड्यूला क्यूक, जो होम्यो मेडिसिन मैंने पहले डिस्कस भी शायद की होगी, कैलेंड्यूला में भी वो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं कि अगर कहीं आपके जख्म है और बहुत बुरी उसकी कंडीशन है तो वो बिल्कुल वो खुश कर देता है, एंटीसेप्टिक है। तो बिल्कुल कैलेंड्यूला की ही तरह से ये भी इफेक्ट करता है, तो एंटीसेप्टिक है ये, पस को बिल्कुल खत्म कर देता है, कहीं कोई कीड़ा काट जाए या जख्म खराब हो जाए तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसके अलावा जो है एंटीबैक्टीरियल तो है ही है, स्किन की एलर्जिक रिएक्शन को बहुत जबरदस्त कंट्रोल करता है, करने की प्रॉपर्टीज है इसके अलावा। और ये जो है ये नींद के लिए भी है जैसा कि मैंने बताया है। और ये जो है ये जबरदस्त हर्ब जो है ये फ्लावर से लिया जाता है, मतलब ये एक हर्ब है, लेवेंडर हर्ब है जो कि एक फ्लावर है बहुत ही खूबसूरत पर्पलिश, रेडिश पर्पलिश तरह का एक पर्पल कलर होता है जिसका ये फ्लावर है, उसमें से ये जो है उसका जो है वो ये लिया जाता है, उससे ये बनता है। और जितना खूबसूरत ये फ्लावर है जिस हर्ब से ये लिया जाता है, लेवेंडर हर्ब से, उसी कदर खूबसूरत जो है इसके बेनिफिट्स भी हैं। तो
तो ये इसका एक और बड़ा ही खूबसूरत बेनिफिट ये है कि ये माइग्रेन को जो है कंट्रोल करता है। हालांकि माइग्रेन का जो पेन है वो बहुत ज्यादा सीवियर होता है और बहुत तकलीफ देह होता है, तो इसलिए ये है कि ये माइग्रेन को भी कंट्रोल करता है और कट्स वगैरह को तो करता ही करता है। तो एक और बहुत जो इसका मजे का सिम्टम है, या इसका सिम्टम भी नहीं, इसकी डिजीज कह लें, इसका बेनिफिट कह लें, या इसको कह लें कि ये हमें फ्री करता है। समटाइम बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं तो सर में अगर जुए हो जाएं, यानी लाइस हो जाएं, तो ना सिर्फ ये लाइस को खत्म करता है बल्कि लाइस एक्स को खत्म कर देता है। कुछ ऑयल तो घरों में हम यूज करवाते हैं अक्सर, जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं तो वो चुभते हैं, जैसे तारे मीरे का तेल है या कोई और, हम मेडिकल चीजें लगाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत है, बाल उतरना शुरू हो जाते हैं बच्चों के। तो इसकी तो खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, तो इसमें इससे किसी और ऑयल में थोड़ा सा मिक्स करके बालों को घना भी करेगा ना सिर्फ, उसके साथ साथ ये है कि जो है वो लाइस किल भी करेगा और साथ साथ लाइस एक्स को भी खत्म कर देगा और बालों को भी अच्छा करेगा। यानी ये काफी ज्यादा इसके फायदे ही हैं, बाल साफ सुथरे भी रहेंगे और बाल घने भी होंगे। ये बेनिफिट बहुत कम लोगों को पता है इसका। और इसके अलावा ये जो है मैदे के लिए बहुत अच्छा अच्छा होता है, ये जो है प्रोडक्शन ऑफ बाइल को और जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनको बढ़ाता है, उनको सही करता है, और इसी वजह से ये वॉमिटिंग के लिए अच्छा है, कॉलिक पेन के लिए अच्छा है, डायरिया के लिए अच्छा है और फ्लू के लिए बहुत अच्छा है। जो हमारा थ्रोट इन्फेक्शन हो जाती है, फ्लू हो जाता है, उसमें ये है कि बहुत जबरदस्त है। उसमें इसे अगर हम जहां हम इसे सूंघने का या लगाने का काम करें तो वहीं पर इसको हम गर्म पानी में 10 ड्रॉप्स इसके अगर डालें गरम गरम पानी में, तो हम इसकी भाप भी ले सकते हैं, स्टीम भी ले सकती हैं। ये इवन ये जो जिन्हें कोरोना का इश्यू होता है उनको भी इसकी स्टीम दी जाती है, तो बहुत अच्छा इफेक्ट होता है उन पेशेंट्स को। और अगर खाली फ्लू है तो होम्यो मेडिसन है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम अक्सर लोग जो है वो इसे जानते हैं, ये फ्लू के लिए बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। तो आर्सेनिकम एल्बम जो है उसके साथ 3 टाइम अगर हम आर्सेनिकम एल्बम लें तो साथ में जो है इसका इसकी स्टीम लें तो बहुत जल्द जो है फ्लू खत्म हो जाता है। और चेस्ट पे और बैक पे इसकी जो है हल्की हल्की सी मसाज करें इस ऑयल की। और इसके अलावा ये है कि अगर हमने अस्थमा में भी ये बहुत जबरदस्त रिलीफ देता है, इसी की स्टीम उसी तरह से पानी में डाल के 10 ड्रॉप्स तो स्टीम लें और साथ में जो है बैक पे और चेस्ट पे थोड़ा सा ये लेवेंडर ऑयल लगाएं तो उससे अस्थमा का अटैक भी रुक जाता है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक पहले वीडियो डाली थी अस्थमा के ऊपर ब्लाटा की, ब्लाटा क्यू पावर में, तो वो 10 से 15 कतरे अगर दिन में 3 मरतबा ले लें साथ में, जिन्हें अस्थमा है उनके लिए कह रही हूँ, तो ये साथ में ब्लाटा भी पड़ी हुई है तो उन्हें उन्हें भी बहुत जो है अच्छा रिलीफ मिलता है। अक्सर तो अस्थमा के पेशेंट्स को नींद ही नहीं आती रात को, उन्हें इतनी तकलीफ होती है कि नींद नहीं आती क्योंकि उनका दम घुटता है। तो इसलिए इसमें नींद की प्रॉपर्टीज तो पाई ही जाती है, वो बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है। ना सिर्फ इस ऑयल से जो है वो नींद अच्छी हो जाती है, साथ के साथ जो है ब्लाटा जब हम लेते हैं तो हमें अंदर से भी जो है हमारी बीमारी कंट्रोल होती है, और उसके अलावा पेन किलर तो है, जो जो सीने पे घुटन होती है या वजन महसूस होता है अस्थमा पेशेंट्स को, वो भी इससे जो है वो खत्म हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। यानी कि ये लगाने की भी एक हो जाती है और साथ में पीने की जो है ब्लाटा क्यू जो है इसके साथ जबरदस्त काम करती है, और जो अस्थमा का इश्यू है वो इससे जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो इसके अलावा जो है इसकी ब्लाटा की अगर आप कंप्लीट डिस्क्रिप्शन क्यू पावर की देखना चाहें तो मेरी एक पहली वीडियो में मैं इसको
डाल चुकी हूँ इस ब्लाटा ओरिएंटल को। तो इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है ये जहाँ बेहतरीन करती है वहाँ ब्लड प्रेशर का लेवल भी जो है बेहतर करती है, और मूड बूस्टर तो है ही है, यानी कि मूड को अच्छा करती है। और इसके और स्किन के हवाले से तो आपको मालूम ही होगा कि मैं किस कदर ये बेहतरीन है, जिसकी वजह से अक्सर स्किन क्रीम्स में मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे लेवेंडर ऑयल की और इन्फॉर्मेटिव लगे, तो इसको इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो मजीद ये चैनल और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहेगा और चलता रहेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।